अलंकृत जी आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हमने देखा कि इस पर को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही सपोर्ट किया गया, हिंदुस्तान की मीडिया ने भी कुंभरा जी का, हम सभी ने देखा कि हिंदुस्तान की मीडिया ने भी इसे काफ़ी सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में इसे 10 अवार्ड मिले और अब इसकी जो संख्या है 11 हो चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड हमेशा, चाहे इस फिल्म की बात करें या कई सारी फिल्में, सेंसर बोर्ड इवन ऑडियंस भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन सेंसर बोर्ड हमेशा बीच में आके काफ़ी इस तरह की फिल्मों को प्रॉब्लम देती है। तो कुछ सेंसर बोर्ड को आपकी तरफ से कुछ, या गुणा जी आपकी तरफ से कुछ मैसेज आएगा कि आप सिर्फ फिल्म देखिए या सर्टिफिकेट दीजिए, वो आप मैं तो ये बोलना चाहूँगी, ये फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में 2017 में ये सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है, उनका टाइम हो गया है, उनको बाय बाय बोल देना चाहिए। और हमें एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए जहाँ फिल्म मेकर्स जाएँ और हमें सर्टिफिकेट, एज अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिले। ये कि कोई हमारे ऊपर बैठे मॉरल गार्डियन की तरह आप ये देख सकते नहीं, ये तो एक्चुअली इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द इंडियन ऑडियंस। आप बोले कि इंडियन ऑडियंस इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक अगर हम वोट कर सकते हैं, अपनी सरकार खुद इलेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इतना इंटेलिजेंस तो है इंडियन ऑडियंस में कि वो उन्हें कौन सी पिक्चर उन्हें अच्छी लगी, क्या उन्हें देखना है। जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री विद व्हाट अलंकृता इज सेइंग, बिकॉज इफ आई एम एन अडल्ट, नॉट इफ आई एम एन अडल्ट एंड आई कैन डिसाइड व्हाट फिल्म आई वांट टू वॉच, यू टेल मी इट्स एन अडल्ट फिल्म, मेबी आई वोंट टेक चिल्ड्रन टू सी इट, यू नो दैट आई मीन, बट इफ यू जस्ट टेल मी इफ इट्स एन अडल्ट फिल्म और इट्स अ यूए और इट्स अ यू फिल्म, दैट्स ऑल एंड हैव मेनी मोर कैटेगरीज, हैव मोर कैटेगरीज की अबव 13, अबव 18, अबव 20, व्हाटएवर, हैव मोर कैटेगरीज, बट अदर देन दैट हाउ कैन यू आर टेलिंग मी इट्स एन अडल्ट फिल्म, आई डिसाइडेड ओके चलो आई वॉन्ट टू वॉच दिस फिल्म, इवन इफ इट्स एन अडल्ट फिल्म, आई गो टू वॉच इट, देन आई फाइंड दैट आई एम नॉट बींग गिवन अ चॉइस, यू आर टेकिंग अवे माई चॉइस फ्रॉम मी बाय टेलिंग मी वॉट आई कैन वॉच एंड वॉट आई कांट वॉच, वाई आर यू डूइंग दैट, and who has given we as citizens of India should not give them the right to do this, no? Ji. Ideally there shouldn't be a censor board at all, there should only be a certification body. Ji. ek aakhri sawal meri taraf se hai, kyunki international level pe itne sare appreciate ke baad to ab kuch film aane wali, to kuch pressure hai ya kuch nervousness hai, kyunki bahut sari film ko lekar baatein ki gayi, मुझे नहीं लगता उनको फिल्म्स के बारे में उतना कुछ आइडिया है। नर्वसनेस तो है, बिकॉज व्हेन योर फिल्म इज ओपनिंग यू वांट पीपल टू वॉच इट एंड यू डोंट नो व्हेदर दे विल व्हाट दे विल फील अबाउट इट, बट या वी आर एक्साइटेड एंड हाँ। और मुझे क्या लगता है कि ये जो रिलीज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ लिपस्टिक अनमा बुरखा की रिलीज़ के बारे में नहीं है, आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, बिकॉज इसका ये है मतलब कि वुमेन एक्चुअली हैव द राइट टू टेल देयर स्टोरी। सो आई थिंक ये जीत सिर्फ हम लोगों की जीत नहीं है, ये जीत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वुमेन्स वॉइसेस ऑफ इंडिया उनके लिए भी है। आप ऐसा कोई एक मैसेज देना चाहेंगी सारी दुनिया को या सेंसर को या लेट्स डू आवर थिंग, या okay we'll just do our thing because I agree with whatever she's saying. thank you so much, we'll do it, hum dono ko frame mein rakhega iske liye, ha ab dono, yes, lipstick under my burqa release ho rahi hai, ek kiss july wow great, thank you so much and wish you all the best.